नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जहांगीरपुरी के उस एरिया में हूँ जहाँ पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था कि बच्चे के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से मारपीट की जा रही थी। वो वीडियो बस आपने देखा होगा, लेकिन मारपीट के बाद का भी वीडियो है, उसके साथ सेक्सुअली असल्ट भी हुआ था और बहुत ही इस तरह का वीडियो है जो आपको नहीं दिखा सकते हम। मारपीट का भी इतना भयानक वीडियो है और वो जो मैंने बताया आपको वो भी बहुत ज़्यादा भयानक है, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर सकते सोशल मीडिया गाइडलाइंस की वजह से और सामाजिक बंधन की वजह से भी। ये वो घर है, आप ये देख सकते हैं, झुग्गी है, एक्चुअली वो घर है जहाँ पे ये परिवार रहता था। लेकिन ये परिवार, उसके बच्चे और उसकी माँ से बात हुई, लेकिन इतने डरे हुए हैं वो लोग कि यहाँ पर आने को तैयार नहीं। जिस दिन से घटना घटी है यहाँ से वो लोग गए हुए हैं, क्योंकि वो लोग आए थे दो तीन दिन बाद में भी, जैसे इन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की तो वो लोग फिर से यहाँ पर आए और धमकी देकर गए हैं कि अगर पुलिस को कंप्लेंट करोगे तो इससे भी बुरा अंजाम होगा। और उसके बाद से ये लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा भयानक रूप से, क्योंकि बहुत बड़ा गैंग है जो काम कर रहा है। और जो पड़ोसियों से मैंने बात की तो पड़ोस में से कोई भी व्यक्ति सामने आकर ये बोलने को तैयार नहीं कि भैया क्या हुआ था, क्या ना हुआ था, किन लोग थे, हम सख्त एक्शन, मतलब इतना खौफ है यहाँ पर। सिर्फ उसी परिवार के ऊपर नहीं बल्कि आप देख सकते हैं पड़ोस में तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ सामने आकर कैमरे के आगे कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है कि भैया हुआ क्या था, सुरक्षा दी जानी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, यानी ये शब्द भी पड़ोसी कहने को तैयार नहीं है। मैं सबके सामने कह रहा हूँ। और ये घर आप देख सकते हैं, लाइट अंदर जली हुई है लेकिन ये ताला यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरा सीओपी से कहूँगा कि आए और दिखाई, ये बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ताला लगा हुआ है। ये छोटी सी झुग्गी है यहाँ पर जहांगीरपुरी में, जहाँ पर ये एक वीडियो हुआ था कि भयानक तरीके से एक बच्चे को मारा जा रहा था, कई लोग थे जो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस वीडियो बनाने के मोटिव की, आरोपियों ने वीडियो बनाया था, पिटाई की थी, सेक्सुअली असल्ट किया था, और वजह यह थी कि ये वीडियो सर्कुलेट हो जहांगीरपुरी में, दिल्ली में, और ये खौफ फैले, उनका सिक्का चलता रहे कि जो उनके सामने सर उठाएगा उसका अंजाम इसी तरह का होगा। तो मेरी एक महिला से बात हुई, बोली भैया हम चाहते तो हैं कि न्याय मिले, लेकिन हम आएंगे नहीं, सामने नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चे एक हैं, हमारे बच्चे हैं, कोई नहीं चाहेगा कि उन जैसे दबंगों के सामने खुलकर हम आए, कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमारे साथ भी इस तरह की बदतमीजी कर दे। तो ये माहौल है इस वक्त का, पुलिस को लेकर असंतुष्टि है, पुलिस वालों के खिलाफ लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस वाले कुछ काम करते तो इन लोगों के हौसले इतने ना बढ़ते, क्योंकि जहांगीरपुरी में कई तरह के केस इस तरह के आ चुके हैं, कई मामले आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो आपराधिक तत्व हैं इनके हौसले बुलंद है और इस तरह की घटना कर दी, एक एक बच्चे को इतने भयानक तरह से मारा, सेक्सुअली असल्ट करा और सर्कुलेट कर दिया वीडियो, यानी कोई खौफ ही नहीं है इन लोगों के बीच में। तो ये अपने आप में हालत है, आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर मुझे बताएं। नमस्कार, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि ये सच्चाई सामने आ जाए, पुलिस की भी, यहाँ की भी, और किस तरह से काम हो रहा है सब पता चलना चाहिए। नमस्कार।